सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब किस्मत और हालात खिलाफ हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय को बताती है। आज का पंचांग 23 सितंबर 2021 दिन गुरुवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 6:54 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 6:44 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:48 से 3:18 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 6:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 23 सितंबर 2021 दिन गुरुवार, आज आप जो भी करेंगे उसमें एक नई ऊर्जा और नए लक्ष्य दिखाई देगा। आपकी बातचीत का स्तर अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गया है और आप ऐसे किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को वित्तीय या आध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित करेगा। आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको जीवन की दिशा तय करने में भी मदद मिलेगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान समस्याओं को खत्म करने के लिए सोचना भी चाहिए। किसी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। ड्रग्स, एल्कोहल और अन्य बुराइयों को छोड़कर अच्छे निर्णय लें। कोई दिव्य शक्ति आपको इशारा करेगी जिससे आपको किसी दुख या नुकसान के बारे में जानने का मार्ग मिलेगा। यात्रा में परेशानी की संभावना है, इसलिए सोच समझकर योजना बनाएं। यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए भी अच्छा है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, इसलिए आपके सभी काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। किसी भी एक खास काम में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के संपर्क में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। आपको जीवन संबंधित कुछ सकारात्मक आयाम सीखने के लिए भी मिलेंगे। संतान के करियर संबंधित गतिविधियों पर भी विचार विमर्श होगा। आपके जीवन में बदल रही परिस्थिति अचानक से बिगड़ सकती है जिसके कारण आपको अस्वस्थ महसूस होगा, लेकिन अभी अपने संयम को टिकाए रखकर एक एक बात को सुलझा पाएंगे। जीवन से संबंधित कई सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के जरिए आपको अपने निर्णय क्षमता का अवलोकन करने का मौका भी मिलेगा। काम की जगह आपके द्वारा हुई गलती के कारण हर एक व्यक्ति की नाराजगी आप पर बनी रहेगी। परिस्थिति को सुलझाने के लिए वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सहायता जरूरी। पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव के कारण रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय उनके द्वारा बार बार बदला जा सकता है। चिड़चिड़ापन और हाई बीपी की समस्या अधिक भी रहेगी। रेडीमेड गारमेंट के थोक व्यापारियों के लिए समय पक्ष का है। डॉक्टरों को अनुकूलता अनुभव हो सकती है। हड्डी का दर्द दुखी कर सकता है, ध्यान रखें। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अनुकूलता रह सकती है। पितृ वरदान वाले राजनेताओं और खानदानी राजनीति करने वालों के लिए समय सुखद रह सकता है। मनोबल भी ऊंचा रह सकता है। महिला पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन या प्रमोशन नुमा लाभ मिल सकता है। अविवाहितों के लिए शादी भाग्योदयकारी रह सकती है। नाक की हड्डी से संबंधित समस्या भी रह सकती है। सावधानियां, क्रोध और उत्तेजना में कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें। किसी भी असमंजस्य की स्थिति में घर के अनुभवी तथा
बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपकी परेशानियों का हल है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, परंतु विवाहित संबंध आपके जीवन में जहर घोल सकते हैं। इनसे दूर ही रहें। यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका पूरा परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है और यह आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करती है। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। प्यार में यौन सुख और रोमांस बेहद जरूरी है जिनसे लव लाइफ और भी नमकीन हो सकती है। इस समय आप केवल इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। सफर में हुई गड़बड़ी के कारण आपका मूड खराब होगा। परेशानियों का सामना करने के लिए आज का समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप विपरीत लिंग से शर्माते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप में आत्मविश्वास की कमी है। भरोसा रखें, आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। एक सकारात्मक रवैये से अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। बात करते हैं करियर की। अपने गुप्त रिश्ते या कार्य का खुलासा करने का समय आ गया है। बुराई, पाप या गंदगी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इनसे दूर ही रहें। महीने के अन्य दिनों की तरह आज धन संबंधित मामले आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। किसी अप्रत्याशित बीमारी से दूर रहने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आप मानसिक रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। स्वयं के प्रयासों, कड़ी मेहनत और तर्क के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए यह बेहतरीन समय है। अपनी स्थिरता और नैतिकता के लिए प्रतिबंध रहें, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी होने से बचें। इसका परिणाम निराशाजनक हो सकता है। अप्रत्याशित धन के प्राप्ति के भी योग हैं। आज के दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु यह धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार की वजह से आज आप कुछ हल्के फुल्के खरीदारी भी कर सकती हैं। आज व्यवसाय में बहुत अधिक परेशानियां महसूस होगी जिसके वजह से कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रुक सकती है, परंतु घबराने के बजाय हिम्मत और साहस से काम लें, कोई न कोई समाधान जरूर प्राप्त होगा। बात करते हैं सेहत की। आज आप ऊर्जा और जिंदा दिली से भरे हैं। आपको खुद का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूचना मिलेगी। पिछले काफी समय में आपकी जिस बीमारी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, उसे आसानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे। या तो पूरे शरीर की मसाज कराएं, या अपने शरीर तथा दिमाग को भी राहत देने के लिए स्पा में समय बिताएं। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।